नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों को आज समांतर श्रेणियों का योग बताऊंगा। इसी कड़ी में हम लोग प्रश्नावली 5.3 अध्याय के प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे। छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग जो भी पढ़ें वह आपका एक ही वीडियो में क्लियर हो सके। तो आइए पहले हम लोग जो समांतर श्रेणी के योग होते हैं उनके कुछ हम कंसेप्ट को समझते हैं, कौन से फार्मूले इस चैप्टर में यूज होंगे इसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि जैसे समांतर श्रेणियों के बारे में हम लोग जानते हैं कि ए, अगर कोई समांतर श्रेणी है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ऐसे करके श्रेणी है। अब हम इसके लिए जो ए क्या है, प्रथम पद है, अगर हमें एन पदों का क्या निकालना हो, एन पदों का योग निकालना हो, एन पदों का योग, ठीक है। तो इनका योग निकालने के लिए जो फार्मूला होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यह क्या होता है, फार्मूला होता है। एक और होता है, ठीक है, अगर लास्ट टर्म के संदर्भ में दिया हो तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो एन अपान टू ए प्लस एल, ये दोनों प्रश्न, ये जो फार्मूला है यही दोनों यूज होने वाले हैं, ठीक है। आपको कहीं पर भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। अब आइए हम लोग इन्हीं दो प्रश्न जो फार्मूला है इन्हीं के आधार पर हम लोग इसके जो दिए गए प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले प्रश्न को हम देखते हैं कि एक समांतर श्रेणी दी गई है 2, 7, 12 और 10 है, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, मिटा देता हूँ इसको, इसकी क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर जितने भी आप सवाल लगाइए उसको कंसेप्ट के साथ लगाइए, फार्मूला जितने भी हैं उसको आप लोग लर्न कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 2, 7, 12, 10 पदों का योग निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस श्रेणी में, इस वाले पहले वाले में, ठीक है, अब पहले क्या करेंगे, जो चीज़ दिया है उसको हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। क्या क्या दिया, प्रथम पद ए बराबर क्या है, ए बराबर 2 है। अब सर्वांतर कैसे निकालते हैं, सर्वांतर डी बराबर दूसरे में से पहले वाले को घटा देंगे तो 7 - 2 बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है, साइन 7 - 2 बराबर 5 कर देंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितने 10 पदों का n बराबर क्या दिया हुआ है, n बराबर 10। तो हमने अभी फार्मूला बताया कि एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसी फार्मूले पर रख लेंगे, 10 पदों का योग निकालना है तो 10/2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर, ठीक। अब 2a का मान कितना है, 2 है, प्लस और n का मान 10 - 1 और d का मान हमने निकाला हुआ, d का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब इसी को हल कर देंगे, ठीक है, इसी को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 5 हो जाएगा यहाँ पर, तो 5 और इसको हम क्या करेंगे, 2 × 2 = 4 प्लस यहाँ पर 9 × 5 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 9 और यहाँ पर 5 है, तो क्या हो जाएगा, 5 + 4 + 9 = 45 हो जाएगा, 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 × 4 = 49 हो जाएगा। अब हम गुणा कर देंगे, 9 × 5 = 45, 4 हाथ लगा और 5 × 20, 20 × 4 = 24, तो S 10 यानी कि 10 पदों का योग कितना आ जाएगा, 245 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, किसी भी प्रश्न को लगाएंगे। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा इसी का देखते हैं, दूसरे में क्या है, माइनस में है, देखिएगा इसको ध्यान दीजिएगा। प्रथम पद पहले जो जो चीज़ देखिए दिया रहे आप उसको नोट कर लीजिए, गणित लगाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। तो अब देखिए यहाँ पर ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है -37, ठीक है,
ठीक है। और अब डी निकालेंगे हम लोग, ठीक। डी बराबर दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाएंगे तो माइनस 33, फिर माइनस माइनस 37 करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 33 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37, तो आ जाएगा यहाँ पर कितना, 37 में से 33 गया 4, यानी प्लस में 4 आएगा। और n कितना दिया है, 12 पद है, कितने हैं 12 पद हैं, n बराबर 12, ठीक। अब फार्मूला ये इसी वाले फार्मूले पर लगाएंगे, ये फार्मूला इन सभी प्रश्नों में लगेंगे। तो s कितने पद हैं, 12 पद हैं, तो s 12 बराबर 12 बटे 2, फिर 2a, 2 इंटू ए का मान माइनस 37, ठीक है, फिर ब्रैकेट में n माइनस 1, यानी 12 में से हम एक को घटा देंगे। और d का मान कितना है, d का मान हमने निकाला हुआ है 4 है, कितना है 4, ठीक। अब देखो यहाँ पर 12, यहाँ पर 6 बचेगा कि नहीं, बच गया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर 2 और यहाँ पर गुणा कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, तो 7 × 2 = 14, 3 × 2 = 6 = 7, ये हो गया ब्रैकेट, यानी यहाँ पर प्लस का साइन लगेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्लस लगेगा। 12 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 11 × 4 कितना हो जाएगा, 6 और माइनस 74 प्लस कितना हो जाएगा, ये 11 × 44 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × क्योंकि ये प्लस में बड़ा है और ये छोटा है, तो क्या आ जाएगा, 0, यानी माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। यहाँ पर 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, तो 36 ये कितना हो जाएगा, 18, तो माइनस 180 होगा इसका, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 180, ये इसका उत्तर हो गया। अगर देखिए कहीं पर भी आप सवाल लगा रहे हैं, अगर दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट जरूर करिए, ठीक है। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, ठीक है। अब देखिएगा थर्ड जो क्वेश्चन है, अभी डेसिमल में है, तो डेसिमल में हो चाहे फ्रैक्शन में हो, सबके लिए फार्मूला सेम है। कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट जरूर करिए। अब a बराबर क्या है, 0.6 है। अब d का मान निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, d का मान निकालने के लिए दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा दो, तो 1.7 माइनस 0.6, तो कितना आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पर d निकल गया, n कितना है 100, तो s 100 = 100/2, फिर 2a, 2 × a का मान 0.6 है, प्लस n माइनस n कितना है 100 − 1 × d का मान कितना है 1.1, कितना हो जाएगा ये 50, कितना हो जाएगा 6 × 2 = 12, 1.2 प्लस, अब यहाँ पर हो जाएगा 99 × 1.1, यह हो जाएगा। अब 50 × यानी कि 1.2, अब इसमें गुणा करेंगे 99 में तो कितना हो जाएगा, 99 × 1.1 का करेंगे तो 99 कितना हो जाएगा, 9, 8, 10, यानी कि 2 × 1.10 लग जाएगा, 108, कितना हो जाएगा, 108.9 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे 50, ठीक है। अब जोड़ेंगे इसमें 108.9 में क्या कितना जोड़ना है, 1.2 जोड़ेंगे, 9 × 2 = 11 लगा देंगे, यहाँ पर 8 × 2 = 10, यहाँ पर 1 हासिल हो जाएगा, 110 आ जाएगा, 110.1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम कितने का गुणा कर देंगे, 50 का गुणा कर देंगे, तो 110.1
एक गुणे पाँच करेंगे तो पाँच एकम पाँच, फिर दशमलव, यानी कि जीरो रहेगा तो दशमलव हट ही जाएगा ये, ठीक है। फिर यहाँ पर जीरो पाँच पाँच, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सौ पदों का योग। ये लास्ट वाला है, आपको ये एच डब्ल्यू है, अपने से करिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।